इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया भाग 8, जिसमें हम प्रिंट और गरीब जनता के बारे में पढ़ेंगे कि प्रिंट और गरीब जनता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में, मद्रासी मतलब चेन्नई शहर में, मद्रास पहले का नाम था, आज उसको चेन्नई के नाम से बोलते हैं, तो काफी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची जाती थी, बहुत सस्ता किताब, जिसके चलते गरीब लोग भी बाजारों से उन्हें खरीदने के लिए अपने आप को सक्षम मानते थे। ये चित्र ब्लैक एंड व्हाइट में आप देख सकते हैं कि एक पुरुष, एक महिला यहाँ पर हुक्का पी रही है और ये इनको मनोरंजन मतलब इनको खुश कर रहा है, ठीक है, इन औरतों को ये संगीत बजा बजा के खुश कर रहे हैं। यही सब दिखाया जाता था कि लड़कियां पढ़ेंगे तो हम लोग का यही हाल होगा, हम लोग चाकरी नौकरी करने लगेंगे। ये चित्र 21 एक यूरोपीय दंपति, मतलब यूरोपीय दंपति मतलब क्या, संपन्न अमीर आदमी, 19वीं सदी का कास्ट चित्र है। इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिकाओं का निरूपण है। साहब शराब की बोतल थामे है और मेम साहब वायलिन बजा रही है। भैया ये बड़े बड़े लोगों की शौक है, छोटे लोगों की समझ में नहीं आएगी, हम लोग जैसे हैं। इस स्थिति में आ गए थे 20वीं सदी के आरंभ से सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे थे, जिससे किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ी। अब देखो, सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने लगे तो किताबों तक पहुंच निसंदेह बढ़ी, बहुत ज्यादा पहुंच आसानी से, इड़ा चुड़ा कहीं किताब मिल जाता था, लेकिन आज भी किताब उसी दाम में मिलता है जितना पहले मिलता है। यह पुस्तकालय अक्सर शहरों या कस्बों में होते थे या यदा कदा संपन्न गांवों में भी, जो संपन्न गांव होता था वहां पर पुस्तकालय होते थे। स्थानीय अमीरों के लिए पुस्तकालय खोलना प्रतिष्ठा की बात थी, क्योंकि वहां पर स्थानीय पुस्तकालय हमेशा तो थे नहीं और हर किसी को निजी पुस्तकालय भाई गिना चुना लोगों के पास मिलता था। 20वीं सदी के अंत से जाति भेद के बारे में तरह तरह के पुस्तकों और निबंधों में लिखा जाने लगा था कि भैया जाति भेद क्या होता है, और उसके बारे में तरह तरह की किताबें छपे, निबंध निकले कि जाति भेद को खत्म करो और इंसानियत को अपनाओ। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा राव फुले के बारे में सब कोई जानता है, लेकिन ये ज्योतिबा फुले के बारे में जान रहा हूँ। तो ज्योतिबा फुले ने अपनी गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखी, और ये जो नाम है ज्योतिबा फुले, इनके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं 8th में 9th में, ठीक है। अब 10वीं में भी ज्योतिबा राव फुले का कोई भी किताब नहीं है, कोई भी पाठ नहीं है, लेकिन आशा करते हैं कि 11वीं 12वीं में जरूर मिलेगा। चलिए वो छोड़िए, आगे जानते हैं। ये गुलामगिरी में लिखती हैं जाति प्रथा के अत्याचारों पर, ठीक है। 20वीं सदी के महाराष्ट्र में भीमराव अंबेडकर और मद्रास में ईवी रामास्वामी नायकर ने, जो पेरियार के नाम से बेहद जाने जाते हैं, पेरियार मतलब क्या, जाति के सुधारकों के लिए काम करने के नाम से बहुत बड़े पैमाने पर अच्छे नेता में इनका गिनती होती है, जाति पर जोरदार कलम चलाई और उनके लेखन पूरे भारत में पढ़े गए। जाति पर एकदम जोर मतलब एकदम कमाल का लेख लिखा, कौन सा, स्वामी रामास्वामी नायकर, और मद्रास से चले आएंगे अंबेडकर जी, ठीक है, महाराष्ट्र और मद्रास से रामास्वामी नायकर जी। ये लोग ऐसे ऐसे चीज लिखते थे कि पढ़ने के बाद मन को क्या, मन से भी जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, लेकिन आज भी लोग हैं जो जाति प्रथा खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उसी जाति का सहारा लेकर, उसी जाति को आगे बढ़ाकर फिर से उसको पीछा ढकेल देते हैं। स्थानीय विरोध आंदोलनों और संप्रदायों ने भी प्राचीन धर्म ग्रंथों की आलोचना करते हुए, जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है उसका आलोचना करते हुए नए और न्यायपूर्ण समाज का सपना बुनने की मुहिम में लोकप्रिय पत्र पत्रिकाओं और गुटके छापे, मतलब पॉकेट बुक छापे, बड़े बड़े अखबार छपे, मैगजीन छपे, बुक छपा, जिसके वजह से लोगों में एक तरह से सोचने की शक्ति विकसित हो गई कि
कि भैया जाति प्रथा से आगे निकलो, दूसरा कुछ भी है उससे, इंसान बनो, इंसान में पैदा लिए हो, जानवर नहीं इंसान बनना है। ये चित्र अभी आप देख सकते हैं, ये है लक्ष्मी नाथ बेज बरुआ, 1868 में जन्म हुआ और 1938 में इनकी मृत्यु हो गई थी, पूरे 80 साल के बाद। वे आधुनिक असीमिया साहित्य के, क्या असीमिया, असीमिया साहित्य के एक वरिष्ठ रचनाकार थे। बूढ़ी आयर साधु, मतलब एक तरह से साधु थे, दादी की कहानियां में इनके बारे में बताया जा सकता है कि ये सब लोग समाज सुधारकों के बारे में बहुत कुछ लिखा करते थे। कारखानों में मजदूरों से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा था, बहुत ज्यादा काम, और उन्हें अपने तजुर्बों के बारे में ढंग से लिखने की शिक्षा तक नहीं मिलती थी कि वो कुछ लिख पाए। लेकिन कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा के 1938 में छोटे और बड़े सवाल लिखे और छाप कर जातीय तथा वर्गीय शोषण के बीच का हिस्सा समझने की कोशिश की। 1935 से 55 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से, सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण भगवान का चक्र, उसके नाम से लिखने वाले एक और मिल मजदूर का लेखन, सच्ची सच्ची कविताएं नामक, वहां पर नाम ही है सच्ची कविताएं नामक, एक संग्रह में छपा छापा गया उसको। बेंगलोर के सूती मिल, बेंगलोर में जो सूती मिल था, मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाए, जिसकी प्रेरणा उन्हें बंबई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने इन प्रयासों को संरक्षण दिया। जो समाज सुधारक थे, इन जितने भी इनके प्रयास थे, उनको संरक्षण दिया, पैसा दिया, पूंजी दिया, शिक्षा दिया और उसमें मदद किया। उनकी मूल कोशिश यह थी कि मजदूरों के बीच नशाखोरी कम हो, मजदूर नशा कम करे, साक्षरता आए उनमें, मतलब पढ़े लिखे होशियार बने, और उनका उन तक राष्ट्रवादी का संदेश भी यथासंभव पहुंच सके, उनके पास राष्ट्र के नेता क्या कर रहे हैं वो संदेश तुरंत उनके पास पहुंच सके। प्रिंट और प्रतिबंध, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत 1798 से पहले एक औद्योगिक शासन सेंसरशिप या पाबंदी लगाने के बारे में ज्यादा परेशानी नहीं थी, कुछ भी कभी लगाया जा सकता था। मजेदार बात यह है कि मुद्रित सामग्री को नियंत्रण करने के इलाके शुरुआती कदम कंपनी के कुप्रशासन की आलोचना करने वाले कंपनी के हुक्मरानों के काम को कोसने वाले अंग्रेजों के खिलाफ उठे, और जो भी मतलब छपता था अंग्रेजों के खिलाफ, तो अंग्रेज क्या करते थे, कोई भी सेंसरशिप बिल पास कर देंगे, उन सारे पत्रकारों को उठाकर जेल में भर देंगे, ना कोई कोर्ट ना कोई कचहरी, आप जेल में रहो, सड़ जाओ। कंपनी को इस बात की चिंता थी कि इन आलोचनाओं का लाभ उठाकर इंग्लैंड में बैठे उनके नंदिक, मतलब क्या, उनके जो विपक्षी लोग हैं, निंदक कहीं भारत पर इनके व्यापारिक एकाधिकार पर हमला ना बोल दे। और ऐसे ही आलोचना सुनकर वो बोलते थे कि उनसे नहीं होगा, अब हमको भेजिए, हम काम करके आएंगे, तो उनका रोजी रोटी गया। इसके वजह से, इसी के कारण वो लोग कुप्रशासन, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर अत्याचार करते थे कि लोगों की बात ब्रिटेन तक ना पहुंच सके। बॉक्स एक, कभी कभी वफादार अखबारों के संपादक खोजना सरकार के लिए मुश्किल हो जाता था। जब 1877 में स्थापित अखबार स्टेटमैन के संपादक पद के लिए सेंडर्स को बुलाया गया, तो उसने पूछा कि आजादी खोने के बदले उसे कितने पैसे मिलेंगे। द फ्रेड फॉर इंडियन इंडिया ने सरकारी मदद लेने से इसलिए इनकार कर दिया कि इससे उसे सरकारी आदेश मानने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और सरकारी आदेश के लिए पैसा, मतलब वो सरकार पैसा दे रही है तो बोलेगी कि हमारा ही छापो, बाकी कुछ नहीं छापना है। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आजादी को नियंत्रित करने वाले कुछ कानून पास किए, और कंपनी ने वितरानी शासन का
उत्सव मनाने वाले अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना चालू कर दिया। जो अखबार सरकार के बारे में गलत नहीं बोलते थे उनको प्रोत्साहन मतलब उसको मदद दी जाती थी, लेकिन जो कानूनी पासा पलटेंगे, जो कंपनी के व्यवहार के उल्टा छापेंगे, तो बस उनके लिए दिक्कत हो जाती थी। अंग्रेजी और देसी भाषाओं के अखबार संपादकों द्वारा गुहार और अर्जी लगाने के बाद 1835 में गवर्नर जनरल बेटिंग प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा करने के लिए राजी हो गए। मतलब कानून को फिर से कुछ बदलाव करने के लिए राजी हो गए। कौन राजी हो गया? बेटिंग प्रेस, पहले गवर्नर जनरल बेटिंग प्रेस ने, ठीक है। फिर उदारवादी उपनिवेशक अफसर जितने भी थे, थॉमस मैकॉले ने पहले की आजादियों को बहाल करते हुए नए कानून बनाए, और नया कानून बनाया कि लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। और फिर ये देख लो बॉक्स 5, मुद्रित शब्द की तलाश का अंदाजा अक्सर सरकार द्वारा उसको नियंत्रित करने की कोशिशों से मिलता है। औपनिवेशिक शासन हमेशा तमाम किताबों और पत्र पत्रिकाओं पर नजर रखता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय रक्षा नियम के तहत 22 अखबारों को जमानत देनी पड़ती थी। इसमें से 18 ने सरकारी आदेश मानने की जगह खुद को बंद कर देना उचित समझा। रोलेट एक्ट था, तो रोलेट के अधीन कार्यरत षड्यंत्र समिति ने 1919 में विभिन्न अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को और सख्त अखबारों के खिलाफ जुर्माना आदि कार्रवाइयों को सॉरी जुर्माना आदि कार्रवाइयों को बना दिया कि जुर्माना हम लेंगे भाई, आप हमको ठेस पहुंचाए हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारतीय रक्षा अधिनियम पारित किया गया ताकि युद्ध संबंधित विषयों को सेंसर किया जा सके, मतलब उसको समझा जा सके। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े तमाम रपटे जितने भी रिपोर्ट थे इसी के तहत सेंसर होते थे, लिखे जाते थे। अगस्त 1942 में तकरीबन 90 अखबारों का दमन किया गया, 90 अखबार बंद कराए दिए गए। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति रवैया बदल गया। क्रूर अंग्रेजों ने देसी प्रेस का मुंह बंद करने के लिए मांग की। ज्यों ज्यों भाषाई समाचार पत्र राष्ट्रवाद से समर्थन मिले मुखर होते थे, मतलब जिससे उनको कुछ सीखने को मिलता था, समर्थन मिलता था, त्यों त्यों औपनिवेशिक सरकार में कर नियंत्रण के प्रस्ताव पर बहस तेज होने लगे। अब देखो सरकार की आलोचना जैसे पेपर में आती थी तो सबको दिक्कत हो जाती थी। सरकार चाहता था कि नहीं, ये अखबार नहीं चलेगा। आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। कौन सा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक हक मिल गया। अब से सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले, जितने भी प्रदेश थे उससे विभिन्न प्रकार के भाषाओं में छपने वाले अखबार भाषाई खबरों पर नियमित नजर रखनी शुरू कर दी और सारे अखबार पर यह नजर रखना चालू कर दिए। अगर किसी रपट को बागी करार दिया जाता था, मतलब किसी रिपोर्ट में लगता था कि यह बागी बनाया जा रहा है, तो अखबारों को पहले चेतावनी दी जाती थी और अगर चेतावनी की अनसुनी हुई तो अखबार को जब्त कर लिया जाता था और छपाई की मशीन छीन ली जाती थी और वहां से उठाकर अपने मिल में उसको लेकर लोग चले जाते थे, अंग्रेज लोग। लेकिन ऐसे दमन की नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश के हर कोने में बढ़ते फूलते गए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बनाते थे और लोग खरीदते भी थे। उन्होंने औपनिवेशिक कुशासन की रिपोर्टिंग और राष्ट्रवादी ताकतों की हैसियत, जितना भी हौसला था राष्ट्रवादी ताकतों की हौसला अफजाई जारी रखी। राष्ट्रवादी आलोचना को
खामोश करने की तमाम कोशिशों का उग्र विरोध हुआ। जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेजा गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उन्हें प्रति गहरी हमदर्दी जताई, और बाल गंगाधर तिलक ने बहुत ज्यादा गहरी हमदर्दी के साथ दिक्कत जताया हमदर्दी जताया अपना कि भैया ये उनके लिए सही नहीं हुआ, क्रांतिकारियों के लिए ये सही नहीं है। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में कैद कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत भर में व्यापक विरोध हुआ। और भारत भर में विरोध क्यों नहीं होता भैया, क्योंकि वो अपने राष्ट्रवादी नेता जो थे बाल गंगाधर तिलक जी। गांधी ने 1942 में कहा, वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी, सामूहिकता की आजादी, भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के इन तीन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है। स्वराज खिलाफत की लड़ाई सबसे पहले हो इन संकटग्रस्त आजादियों की लड़ाई है, मतलब ये आजादी पाने के लिए लड़ाई है अपनी। यहाँ पर पाठ खत्म होता है। प्रश्न बता देता हूँ, निम्नलिखित के कारण, इन सब के कारण बताना है आपको, ठीक है। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1995 के बाद आई। मार्टिन लूथर किंग इनका पूरा नाम था, तो मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसके खुलेआम प्रशंसा की। ग नंबर, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। घ नंबर, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। और छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताइए, गुटेनबर्ग प्रेस के बारे में छपी किताबों को लेकर इरेसम के विचार, और बर्ना कुलूचर या देसी प्रेस एक्ट के बारे में। 3 नंबर, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था, महिलाओं के लिए क्या मतलब था मुद्रण संस्कृति का, गरीब जनता के लिए या सुधारक के लिए, ये आपको बताना है, चर्चा आपको खुद करना है, ये परियोजना है। पिछले 100 साल में मुद्रण संस्कृति में हुए अन्य बदलावों का पता लगाइए, फिर उनके बारे में बातें हुए लिखे, जितना भी बात हुआ है उसको लिखे, ये क्यों हुआ और इसके कौन से नतीजे हुए, ये सब आपको लिखना है। यहाँ पर आपको पाठ खत्म होता है, फिर मिलते हैं अगले पाठ में। अगले पाठ तो था नहीं इसमें, अब किसी दूसरे बुक में मिलते हैं, 9th 10th क्लास का ही बुक होगा, लेकिन दूसरा बुक होगा, और 11th का भी आपको बहुत जल्द 1 महीने के अंदर मिलेगा, और शायद अभी जब आप देख रहे हो तो आ भी चुका होगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट, आपके सलाह, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद।